जय हिंद दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त जय हिंद मुबारक हो। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। आज हमारा दिन उस गुलामी, उस अत्याचार, इन सब से हमारा देश एक आज़ाद हुआ था। ये दिन हम सबके लिए बहुत ही बहुत 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 ही खास दिन है और इस दिन को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा भी लहराते हैं। हम इस दिन को महसूस करना चाहते हैं एकदम दिल से। अगर इस दिन को महसूस करते हैं ना, तो पता है क्या होता है, मेरा एकदम रोआँ एकदम खड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हमारा भी सपना था कि हम आर्मी में जाएँ। हाँ जी, हाँ जी, आपको सब बता रहे हैं, हमारा भी सपना था आर्मी में जाएं, अगर आर्मी में ना जा सके तो पुलिस में जाएं, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम आते गए और मेरा मनोबल टूटता गया। कोई नहीं था कि जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे गाइड करे, तो इसलिए संभव नहीं हो पाया। इसलिए आज हम सिंपल सी लड़की हैं। नहीं, मेरा भी सपना था कि हम आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें। मतलब हम बचपन से यही सोचते थे कि हम आर्मी में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। आज हम कुछ और हैं, आज हम भारतीयों के लिए आज बहुत ही खास दिन है। हम सल्यूट करते हैं उन भैयाओं को जो आर्मी में रहते हैं। आज जय हिंद भैया जी। आज 15 अगस्त के दिन जो हमारे आर्मी भैया जी आज जो शहीद हुए हैं, आज उन सबको दिल से याद करते हैं। और वो माएँ जो काफ़ी हिम्मत वाली होती हैं, मुझे सोच के ही, वो काफ़ी हिम्मत वाली होती हैं मम्मी, जो अपने बेटे को आर्मी में भेजती हैं, तो उन माओं को भी जय हिंद। तो हम आज अपने घर में ही झंडा फहराने वाले हैं आप सबके साथ। असिनी का भी स्कूल, मतलब ये छोटी है तो स्कूल में, इसको असिनी के स्कूल में छोटी बच्चियों का 13 अगस्त को ही मना दिया गया था, तो आज सिर्फ बड़े बच्चों का है, तो इसलिए सिन्नी आज नहीं गई हैं। जो है सो है, लेकिन आज के दिन काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम इंडिया से हैं। और सबसे अच्छी बात है ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, मतलब पता है जब मोदी जी योगी जी हैं, तो हमको लगता है, पता है हमको कैसा फील होता है, जैसे कि घर में पापा होते हैं तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं रहता ना, उसी टाइप का हमें फीलिंग होता है जब हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कोई टेंशन नहीं रहता हमें। बहुत अच्छा सा फील होता है कि अगर, मतलब जैसे घर में पापा, वैसे देश के लिए हमारे मोदी जी योगी जी। पहले चलते हैं बच्चों के लिए मीठा लाने के लिए, नहीं तो दुकान में से सब खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या लेके आएंगे। जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब हम मनाएंगे। आज एक अलग सी खुशी होगी हमको, तो चलिए निकलते हैं चलिए निकलते हैं घर के लिए। छोटे बच्चों के लिए मैं झंडा भी ले लिया है। अब चलते हैं घर। आ गए हैं घर। ये देखिए, हमने रख दिया यहाँ पे, जब बच्चे लोग आएंगे तब मनाएंगे। ये हमारा है, मेरे देश का झंडा। देखिए आज सिन्नी के पैर में चोट भी लग गया, पता नहीं कैसे लगनी हो गई ना। अब से हम जा रहे तैयारी करने के लिए, जो भी मतलब चाहिए, बास या फिर डंडा मोटा वाला, फूल उल, ठीक है। बच्चों के आने से पहले हम अपना तैयारी कर ले, ताकि बच्चे आए तो हम मना लें। आज नहाने से पहले हम वीडियो शूट करेंगे, शॉर्ट वीडियो। ये देखिए, हमने स्टॉल भी लिया है, ये हमारा नहीं है, ये हमारे जो सामने घर हैं, हमने उनसे मांगा एक बार, उन्होंने दे भी दिया। तो हम जा रहे हैं पहले शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए। ये वीडियो आएगा हमारे शॉर्ट
शॉर्ट यूट्यूब आईडी जिसका नाम है पूजा गुप्ता शॉर्ट, तो आप उस पर जाके देखिएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर वीडियो अपलोड करेंगे आज। अभी तैयारी शुरू है, जा रही है, इसमें हेल्प कर रहा है मेरा भाई जो कि अभी वीडियो में नहीं आना चाहता, लेकिन हेल्प वही कर रहा है इस टाइम। देखिए हम रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं झंडे में फूल लगाने के लिए, जो अच्छा जाता है वो वाला भाई गया फूल लाने के लिए। देखिए हमारे बच्चा पार्टी आ गई है, अभी वहाँ से आ रहे हैं, अभी आ गए हैं हमारे छात्राएं, देख सकते हैं। देखिए ए आओ तुम कहाँ गल, देखिए अरे लब्बा लावा हो, अरे आवा हो, अरे आवा हो, ये हमारी लवली आ जा, ये देखिए हमने गाल में लगाया है, ये इसने लगाया है। फ्रेंड्स देखिए हमारा झंडा रेडी हो चुका है, सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं आज हमारे साथ में। अल्लाह सलमी से बोलो भारत माता की जय।
देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं। हम बुलबुले चलने वाली है हमारी रैली, तो बिगाड़ के भाग गए। अब जा रहे हैं बच्चे हाथ धोने के लिए। देखिए कई सब भीड़ लगाए हुए हैं। आराम से बच्चे सब थक गए हैं। अब चलते हैं सबका मिठाई बांटने के लिए। अब सभी आ जाइए जल्दी जल्दी। अरे यार हम गलती कर दिए। आइए आप सब भी खा लीजिए। देखिए इतना बचा के रखे हैं आपके लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। जलेबी खाइए, भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। अब जा रहे इतना अपने दोस्तों को खिलाने के लिए। आज वो भी तो मीठा खाएंगे ना। आप सब भी आ जाओ मिठाई खाने के लिए। जब उनका मन करेगा अपना आके खा लेंगे, जब पेड़ पे बैठेंगे तब खा लेंगे। देखिए हल्का हल्का बारिश भी शुरू हो चुका है। अब मेरा झंडा आराम से लहरा था। आप सबने कैसे मनाया इंडिपेंडेंस डे हमको ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंसते रहे मुस्कुराते रहे हमारे साथ चलते रहे। राम 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 राम, जय हिंद जय हिंद। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। और राम 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 राम।